अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम ऑटोकैड 2015 इलेक्ट्रिकल में लेसन नंबर 5 के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के इस लेसन में हम देखेंगे कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए लिमिट्स, यूनिट और उसके अलावा स्केल को कैसे सेट करते हैं। आज के लेसन में हम देखेंगे हाउ टू सेट यूनिट एंड स्केल इन ऑटोकैड, कमांड ऑफ सेट यूनिट्स एंड लिमिट्स इन ऑटोकैड की, लिमिट्स और सेट यूनिट्स की जो कमांड है वो क्या है, और डिफरेंट मेथड अप्लाई टू सेट द लिमिट्स एंड यूनिट्स, और लिमिट और यूनिट को अप्लाई करने के डिफरेंट मेथड्स कौन कौन से हैं। कोई भी चीज़ बनाने से पहले आपको उसकी लिमिट्स का पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने एक यहाँ पे आप देखें तो मैंने एक यहाँ पे एक वॉलपेपर बनाया, तो वॉलपेपर की जो लिमिट है वो आपको नज़र आ रही है मेरी, यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ तक ख़त्म हो रही है, तो इसकी कुछ लिमिट है। जबकि ऑटोकैड जो होता है ये मैंने एक पेज पे बनाई है फॉर एग्जांपल, क्योंकि कोरल डॉ और फोटोशॉप में एक पेज होता है उसी के ऊपर आप काम कर सकते हैं, लेकिन ऑटोकैड के अंदर पेज नहीं होता, इसमें कंप्लीट एक शीट होती है, बहुत बड़ी शीट होती है। तो उसमें आप जब काम करते हो आप काम चाहते हैं कि वो लिमिट्स के अंदर हो, किसी न किसी मखसूस एरिया के अंदर हो, तो उसके लिए आप लिमिट्स अप्लाई करते हैं। उसके अलावा यूनिट्स जो होती है, यूनिट्स में काफ़ी सारी यूनिट्स होती हैं, जैसे कि डेसिमल यूनिट्स होती है, आर्किटेक्चर होती है, इंजीनियरिंग यूनिट होती है, हेक्साडेसिमल होती है, काफ़ी सारी यूनिट्स होती हैं, काफ़ी सारी वो होती हैं। तो उसके लिए आपको, आप चाहते हैं कि आपकी ड्राइंग जब आप बनाओ तो वो आसानी से उस पर काम हो और एक कंप्लीट स्पेसिफिक मेजरिंग यूनिट के थ्रू हो, तो उसके लिए आप यूनिट्स भी अप्लाई करते हैं। अब जब आप यूनिट्स अप्लाई करते हैं, उस पर कोई काम करते हैं, उस पर आपने फॉर एग्जांपल एक लाइन लगाई, तो लाइन के साथ आप चाहते हैं कि उसका इसका डिस्टेंस भी लिखा जाए नीचे, तो जो लिखा हो तो वो भी वही होना चाहिए जिसमें आप काम कर रहे हैं। अगर आप काम फॉर एग्जाम्पल इंजीनियरिंग में कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका जो डिस्टेंस वहाँ पर लिखा जाए वो डेसीमल में हो, तो आप डेसीमल आप यूनिट स्केल सेट कर सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि नहीं जिसमें कि मैंने काम किया है उसी में इसके यूनिट्स आए, तो उसके लिए आप जो है तो इंजीनियरिंग यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं, तो उसके लिए मैं यहां से ऑटोकैड को ओपन करूंगा। स्टार्ट न्यू ड्राइंग पे क्लिक करता हूं। ओके, अब लिमिट्स का जो तरीकाकार है वो क्या है कि आपका ये जो पेज है ये बहुत बड़ा पेज है, आपकी शीट है, इसमें आपने लिमिट्स अप्लाई करने हैं तो लिमिट आप अप्लाई कर सकते हैं। यूनिट सप्लाई करने के लिए आप यहां पे लिखेंगे यूनिट की जो शॉर्ट कमांड है वो है यूएन, एंटर करेंगे। यूनिट में आप यहां पे देखें तो आपके पास डेसिमल है, आर्किटेक्चर है, इंजीनियरिंग है, फ्रैक्शनल है और साइंटिफिक है। मैं काम करूंगा इलेक्ट्रिकल में तो उसके लिए मैं इंजीनियरिंग यूनिट यूज करूंगा। प्रिसिशन में मैं इसको यूज करूंगा 0 फुट 0 इंच, इंचेस में होगा, और ओके कर देता हूँ। आपने भी यही काम करना है, यूएन शॉर्ट कमांड है इसके। उसके अलावा आप यहाँ पे अगर देखें तो आपके पास यूनिट्स का कहीं पे भी कोई देखें यहाँ पे कोई बटन या कोई कमांड नहीं आपको मिलेगी। कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगी। तो वो लाने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे मेयर है, मेयर में देखते हैं ज़रा, नहीं है देखें कहीं पे भी यूनिट। तो इसको लाने के लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करेंगे, शो मोर कमांड के ऊपर आप क्लिक करेंगे, शॉर्टकट बटन लाना है तो मोर कमांड पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे यूनिट। यूनिट आपका सामने यहाँ पे देखिए आ गया। इस यूनिट को यहाँ से ड्रैग करें, क्लिक करें माउस से, क्लिक करके ड्रैग करके आप इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लें, तो यहाँ पे देखिए यूनिट्स का बटन भी आ गया, उसको क्लोज कर लें। इसके थ्रू आपने जो भी चीज़ आप शॉर्टकट को एक एक्सिस टूल बार में लाना चाहते हो तो आप यहाँ से ला सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ पे देखें क्लिक करें, अब मैं यूनिट पे क्लिक करता हूँ तो पर देखें यूनिट आ गया, उसका आ गया, और आप यहाँ से आसानी से इस पर काम कर सकते हैं। राइट क्लिक करके इसको रिमूव करना चाहे तो आप रिमूव कर सकते हैं, रिमूव फ्रॉम क्विक एक्सेस टूल बार से।
इसके अलावा मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पे मेन्यू बार भी ला सकते हैं। मेन्यू बार लाने के लिए आप इस बटन पे क्लिक करें और यहाँ पे आप करें शो मेन्यू बार पे क्लिक करें, तो एक मेन्यू बार यहाँ पे आ जाएगा। इस मेन्यू बार में आपने यूनिट लानी है तो यूनिट के लिए आप फॉर्मेट में जाएंगे और यूनिट पे क्लिक करें तो बस यहाँ से भी यूनिट आ जाएगी। ये यूनिट है। अब यूनिट के बाद हमने स्केल सेट करना है, तो स्केल सेट करने के लिए आप क्या करते हैं, आप डायमेंशन के लिए डी एंटर करते हैं। ये डायमेंशन स्टाइल होता है हमारे पास मैनेजर, स्केल इससे आप स्केल सेट करते हैं। इसमें आपने मॉडिफाई पे क्लिक करना है। देखें जो हमारे पास देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कंप्लीट लिखा हुआ है, डिटेल लिखी हुई है, रेडियस कितना है, लेंथ कितनी है, हाइट कितनी है, सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। तो ये होती है आपकी डायमेंशन स्टाइल, आप यहाँ से दे सकते हैं। इसके बाद आपने प्राइमरी यूनिट्स पे क्लिक करना है। प्राइमरी यूनिट्स के बाद आप देखें यहाँ पे डेसिमल में लिखा है 1 पॉइंट, देख सकते हैं समथिंग। आप इसको यहाँ से क्या करें इंजीनियरिंग में चेंज कर लें, तो देखें आप फीट और इंचेस का सिंबल भी यहाँ पे आ गए। 0 फीट 0 इंच पे क्लिक करें तो देखें यहाँ पे इसका स्टाइल चेंज हो गया, 1 फीट है 1 फीट है, सॉरी 1 इंच है 1 इंच है, 60 है 2 इंच है। ये देखें यहाँ पे कंप्लीट डिटेल में आपको बता रहा है, देख सकते हैं इंजीनियरिंग में आ गए। और इसको ओके कर लें, फिर सेट करंट करके इसको क्लोज कर लें। अब यही तरीका आप डायमेंशन में जाएं, और डायमेंशन में जाने के बाद आप डायमेंशन स्टाइल पे क्लिक करें तो वहां से भी आप ये काम कर सकते हैं सारा। उसके अलावा यहाँ पे प्रोजेक्ट में नहीं है लेकिन डायमेंशन जो है आपके, आप अगर यहाँ से इसको चेंज करें, इसका स्पेस चेंज करें, आप 2D या 3D मॉडलिंग पे जाएं या वर्क स्पेस आप इसे 2D ड्राफ्टिंग पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे देखें तो आपको एनवेट्स में आपको डायमेंशंस नज़र आ रही होंगी। डायमेंशंस पे क्लिक करके इस बटन पे क्लिक करें तो यहाँ से आपको डायमेंशन मिल जाएंगे। तो ये जो हमारे पास इंटरफेस है इस पर हमने काम किया हुआ है। मैं दोबारा यहाँ से वर्क स्पेस पे क्लिक करता हूँ, तो ये जो वर्क स्पेस है इस पर मैंने काम किया हुआ है, 2D ड्राफ्टिंग पे काम किया हुआ है, लेकिन मैं आप यहाँ पे ऑटो कैड की ड्राफ्टिंग पे काम करूँगा, तो उसके लिए मैं ये ऑटो कैड में इलेक्ट्रिकल पे काम करूँगा, तो इलेक्ट्रिकल के लिए आप यहाँ पे चूज़ करें इसको। ये वाला ओके। उसके बाद है आपने इसका डायमेंशंस आपने दे दी, आप इस पे स्केल के बाद लिमिट्स, अगर आप लिमिट अप्लाई करना चाहते हैं लिमिट्स के लिए, आप लिमिट्स लिखेंगे यहाँ पे, लिमिट्स क्लिक करें, एंटर कर दें यहाँ पे। आप यहाँ पे देखें कह रहे हैं जी स्पेसिफाई लोअर लेफ्ट कॉर्नर, तो आप इसको दे दें फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ 100 फुट, एंटर। 100 फिट दूसरी साइड से भी, 100 फिट तीसरी साइड से भी, और 100 फिट क्योंकि चार कॉर्नर होते हैं चारों साइड से, मैंने 100 फिट इसको दे दिया। ओके तो हमारे पास देखें ये कंप्लीट एक इसका लिमिट्स भी अप्लाई हो गई है। लिमिट्स आप काम करते हुए आप सिर्फ एक बार अप्लाई करेंगे। अब मैंने अप्लाई कर लिया, अब मैं इस पूरे के पूरे लेसन में कहीं पे भी अप्लाई नहीं करूँगा, आपने भी ऐसे करना है। जबकि यूनिट जो है आप जब भी इसको ऑटो कैड को ओपन करेंगे आपने यूनिट अप्लाई करनी है और डायमेंशंस भी आपने, मीन आपने डायमेंशन स्टाइल भी अप्लाई करना है। तो ये था ऑटो कैड में आप यूनिट्स कैसे अप्लाई करते हैं, डायमेंशंस का क्या फंक्शन है, यूनिट्स का क्या फंक्शन है। तो इंशाल्लाह आप नेक्स्ट लेसन में काम करेंगे। अगर आप यूनिट सेट नहीं करेंगे तो यूनिट सेट ना कर नहीं करेंगे तो आपके पास काम नहीं करेगा आपका ऑटो कैड, मीन आप यूनिट सेट नहीं करेंगे तो आप जब फॉर एग्जाम्पल मैं लाइन दूंगा, एल एंटर करूंगा, मैं 15 फिट करूंगा तो ये मेरे पास काम नहीं करेगा क्योंकि मेरे यूनिट्स फिट में नहीं है या फिर इंचज में नहीं है डेसीमल में। तो यूनिट्स आपने जब भी आप ओपन करें अपना ऑटो कैड तो आप यूनिट्स ज़रूर सेट करें। चल अब नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।